मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज आप लोग के साथ एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ मैं। उसमें हम लोग को इस तरह के आलू लेने हैं, जितना आप लोगों को जितनी क्वांटिटी बनानी हो इतने आलू लेने हैं। और उसमें हम लोग को पानी में डाल के इसको बॉईल करना है, और थोड़ा नमक डाल के अभी हम लोग उसको बॉईल करने रखे हैं, बॉईल करेंगे। एक अंडा लेना है, इसमें हम लोग अदरक लहसुन का मसाला डालेंगे टेस्ट के लिए। अपने जितना कीमा है उसके हिसाब से आप लेना अदरक लहसुन का मसाला। उसमें हम लोग थोड़ा गरम मसाला टेस्ट के लिए डालेंगे, काली मिर्ची पाउडर टेस्ट के हिसाब से, नमक। नमक थोड़ा कम डालेंगे क्योंकि इसमें पार्मेसन चीज आएगा, फिर वो मजोरेला चीज आएगा, इसके लिए हम थोड़ा नमक कम डालेंगे। इसमें हरी मिर्ची कटी हुई, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, पार्सली कटी हुई बारीक, फिर उसमें हम लोग को ब्रेड क्रम्स डालना है। आपका जितना कीमा हो उसके हिसाब से आप डालना। ये सब हमारा हो गया, अभी हम लोग इसमें खीमा डाल देंगे। और खीमे को अच्छे से हिला देंगे सब मसाले के साथ। हमारे सब पोटेटोस बॉइल्ड होके तैयार हो गए। इसके अंदर से हम लोग को इस तरह से पूरा निकाल देना है और इस तरह से बनाना है। ये हमारे पोटेटो तैयार है अब सब। अभी हम लोग को एक ओवन डिश लेनी है। ओवन डिश में इस तरह से थोड़ा ओलिव ऑयल डालना है। पोटेटो को हम लोग ने इस तरह से रखे हैं। अभी हम लोग को उसमें परमेसन चीज, और क्यूब में भी आता है, अगर आपके पास क्यूब है तो क्यूब डाल सकते हो, ऐसे पाउडर है तो पाउडर भी डाल सकते हो, परमेसन चीज डालना है। हम लोग ने इसके ऊपर परमेसन चीज डाल दिया है सबके ऊपर। आपके पास क्यूब है तो क्यूब भी रख सकते हैं, तीन चार सब में, और ये तो अच्छा ही लगता है। अभी हम लोग ने जो कीमा बनाया था वो कीमा हम लोग अभी, ये सब हमारा बनके तैयार है। इसके ऊपर हम लोग थोड़ा ऑलिव ऑयल डालेंगे सबके ऊपर भी, थोड़ा थोड़ा सा। अभी हम लोग ओवन डिश में सब बना के तैयार किया है। अब हम लोग इसको ओवन में 3 मिनट्स के लिए, 10 मिनट के लिए हम लोग उसको पकाएंगे। ये हमारा ब्रेकफास्ट बन के रेडी है। 10 मिनट पहले उसको हम लोग ने कबाब को पका लिया था, फिर उसके ऊपर हम लोग ने मोज़रेला चीज़ डाला है, और इस तरह से मोज़रेला चीज़ के साथ अभी हमारा बन के तैयार है, रेडी है। इस तरह से हम लोग को इसके ऊपर पार्सले कट कट किया हुआ पार्सले डाल के सर्व करना है। आप देखते रह सकते हो, वेरी डिलीशियस, वेरी टेस्टी, वेरी वेरी नाइस ब्रेकफास्ट बन के तैयार है।